मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास एक युवक से दो लोगों ने मारपीट की और मोबाइल और उसके 10,000 रुपये छीन लिए हैं। मुंब्रा रेलवे स्टेशन से करीब 100 मीटर की दूरी पर कल्याण की तरफ 15 तारीख की सुबह 9 बजे पंकज रामगोपाल सोनकर 23 साल जो नारायण नगर मुंब्रा का रहने वाला है वो रेलवे पटरी के पास कुछ काम से गया था, मगर तभी मुंब्रा के संजय नगर के रहने वाले नीलेश सुरेश गौली 26 साल हुसैन मस्तान शेख 18 साल इन दोनों ने पंकज राम गोपाल को पकड़ लिया और इसकी मोबाइल छीनने लगी। पंकज इन्हें अपना मोबाइल नहीं दे रहा था। इन दोनों ने पंकज को बुरी तरह से पीटा, ब्लेड से वार किया, मगर तब भी पंकज मोबाइल नहीं छोड़ रहा था। तो इन चोरों ने पंकज के हाथ में दांत काट लिए और मोबाइल और 10,000 रुपया कैश लेकर फरार हो गए। यानी 10,000 रुपये कीमत के मोबाइल और 10,000 रुपया कैश लेकर ये दोनों चोर फरार हो गए। पंकज के चेहरे पर वार किया है, हाथ में दांत काटकर उसे घायल कर दोनों चोर नीलेश और हुसैन मस्तान वहां से भाग गए थे। घायल अवस्था में पंकज मुंब्रा रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर एके यादव ने 1 रुपये क्लिनिक में इसका उपचार करवाया। पंकज के बताने के अनुसार कुछ घंटों बाद ही स्टेशन परिसर में एक आरोपी घूम रहा था और आरपीएफ ने इसे पकड़कर पंकज से पहचान कराई तो पंकज ने बताया कि इसी ने इसके साथ मारपीट की है। पूछताछ में अपना नाम इसने नीलेश सुरेश गौली बताया है। जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और दूसरे साथी हुसैन मस्तान शेख का नाम और पता भी बताया, जिसके बाद आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एके यादव ने अपनी टीम के साथ संजय नगर से हुसैन को पकड़ लिया और दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एके यादव ने क्या बताया है। सर, ये जो घटना हुई है क्या है पूरा मामला? 15/1/2020 को अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के आसपास एक आदमी नाम पंकज रामगोपाल सोनकर एज अप्रॉक्सीमेटली 23 ईयर्स जो नारायण चार मुंब्रा का रहने वाला था, वो हम जब प्लेटफॉर्म मेरी टीम के साथ डिटेक्शन के दौरान मेरी टीम के साथ जब मैं प्लेटफॉर्म राउंड कर रहा था तो उस दौरान वो दौड़ के आया। उसको चोट लगी थी, पहले उसको मैंने फर्स्ट एड दिया इमरजेंसी मेडिकल रूम में। इसके बाद उसको पूछा तो उसने बताया कि दो तीन आउटसाइडर मेरा मुझे शार्प इंस्ट्रूमेंट से वार कर मेरे गाल पे पत्थर से मार कर मेरा मोबाइल वीवो का मोबाइल जो जिसकी वैल्यूज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 और 10,000 हार्ड कैश जो लिया हुआ था उसको ज़बरदस्ती स्नैच करके लेकर चले गए। उसके इस स्टेटमेंट पे हमने एक सर्च अभियान ऑपरेट किया। दौरान मुंब्रा स्टेशन सराउंडिंग एरिया के पास में हमने एक सस्पेक्ट को टेस्ट किया तो सामने वाले व्यक्ति ने बताया कि ये वही व्यक्ति है। तो हमने जब उसको पूछा तो उसने हमें बताया कि ऐसा ऐसा उसका नाम नीलेश गौली एज अप्रॉक्सीमेटली 26 ईयर्स जो संजय नगर मुंब्रा का रहने वाला था उसने अपना गुनाह कबूल किया कि उसने ऐसा ऐसा अपने साथियों के साथ किया था। बाद उसके निशानदेही पे उसके स्टेटमेंट पे उसके मेमोरेंडम सर्च पे हमने उसके दूसरे साथी जिसका नाम हारून शेख था जो अप्रॉक्सीमेटली 18 ईयर्स वो भी संजय नगर मुंब्रा का ही रहने वाला था, इन दोनों आरोपियों को उस स्नैचिंग और मारपीट और धारदार हथियार से वार करने के आरोप में हमने उन दोनों को गिरफ्तार किया। बाद उन दोनों आरोपियों को अगली कानूनी कार्रवाई है तो हमने मुंब्रा सिटी पुलिस को हैंडओवर किया, जहां फर्दर इंक्वायरी फर्दर स्टेटमेंट के बाद उनके पर 394 और 34 IPC के तहत मामला दर्ज किया। ये घटना मुंब्रा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के कल्याण एंड में ट्रैक्स के आउटसाइड में अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर के आसपास हुई थी स्टेशन से। बहरहाल दोनों को गिरफ्तार कर मोबाइल जब्त कर लिया गया है, मगर अभी 10,000 रुपये रिकवरी नहीं हो पाई है। आरपीएफ ने दोनों आरोपियों को मुंब्रा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने इन पर आईपीसी की धारा 394/34 के तहत मामला दर्ज कर इन्हें कोर्ट में पेश किया था, जहां से इन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।